भगवान के पूजा क्रम में, सुनिए जरा ध्यान से, जब हम भूत बावन भोलेनाथ की सेवा करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो भगवान को हम लोग धूप दीप में नैवेद्य इत्यादि समर्पित करते हैं, करते हैं, इसका लाभ क्या मिलता है बताएं कि नहीं? बता देंगे तो और भी ज्यादा करोगे। इसलिए हमारा मन है कि हर घर में भगवान के आगे दीपक जलना चाहिए, भोग लगना चाहिए। सुनिए इसका फल क्या होता है, हम बता रहे हैं आप सभी को, ध्यान से सुनिए। देवताओं को अभिषेक करने से आत्म शुद्धि होती है, हमारी आत्मा की शुद्ध होती है, आत्मा शुद्ध होती है। जो मनुष्य देवताओं का अभिषेक करते हैं, देवताओं का अभिषेक दो ही का अधिकांश होता है, राम कृष्ण नारायण एक ही हैं, शिव ये भी एक ही हैं, पर इनका भी अभिषेक होता है ना, तो इनके अभिषेक करने से आत्म शुद्धि होती है। गंध, जो हम लोग भगवान को गंध अर्पित करते हैं, उससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। नैवेद्य अर्पण करने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है, जो भगवान को भोग लगाते हैं ना, अर्पण करते हैं, नैवेद्य मिष्ठान इत्यादि जो भी फल जो भी लगाते हैं, उससे आयु की वृद्धि होती है, भगवान तृप्त होते हैं। धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, ये जो धूप जलाते हैं ना हम लोग पूजा में, अगरबत्ती नहीं, ध्यान से सुन लें, अगरबत्ती ना धूप बत्ती, जो लोग अगरबत्ती जलाते अपने घरों में मंदिरों में, वो पूजा के क्रम को खंडित करते, सीख लीजिए आज आप। इसे कई बार बोला जा चुका है, बांस होता है बीच में, आपके पूजा क्रम को खंडित करने के लिए ही अगरबत्ती का इजाद हुआ, ये समझ लो। इसलिए अगरबत्ती न जलाएं जिसमें बांस हो, अब बिना बांस के कोई अगरबत्ती बनाता हो तो आप देखो, लेकिन शास्त्रों में धूप बत्ती का वर्णन है, अगरबत्ती का नहीं है। पहली बात तो अगर शास्त्रीय शब्द ही नहीं है, अगर अगर हम कहेंगे अगर अगर, तो बताइए पूजा क्रम में कहां आएगा ये, उसका नाम कर दिया अगरबत्ती। हमारे यहां तो अगर और मगर, अगर ऐसा कर लो तो, मगर ऐसा कर लो तो, अब अगरबत्ती कहां से आ गई? अगरबत्ती है तो मगरमत्ती भी होनी चाहिए, अगरबत्ती मगरमत्ती वो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए ओनली ऑन धूप बत्ती। तो हमें धूप अर्पण जब भगवान को करते हैं तो धूप अर्पण करने से धन की प्राप्ति होती है, इसलिए धूप अवश्य जलाना चाहिए भगवान के आगे। अब कई लोग धूप ऐसी जला देते कि मंदिर में आग ही लगा बैठते हैं, हाँ वो कई इतने आलसी विवेकहीन व्यक्ति, बताओ हद होती है, धूप को कहां जला के चले गए, काट पे, अब क्या होगा? धूप बत्ती अगर काट पे जला दोगे तो जलते जलते नीचे आएगी, और नीचे आएगी तो फिर क्या होगा? तो केयरफुल तो रहना चाहिए ना, धूप हमेशा ऐसी जगह पे जलाओ जो सुरक्षित हो। तो धूप अर्पण करने से धन की प्राप्ति होती है, भगवान के आगे दीपक जलाने से बहुत बड़ा फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान के आगे दीपक जलाते हैं, दीपक के लिए, दीप के लिए क्या कहा गया, वेदों में भी कहा गया है तमसो मा ज्योतिर्गमया, ये दीप दान करने से अज्ञान नष्ट होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। दीपक के लिए कहा गया है दीप ज्योत परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन, दीपो में हरत पाप संध्या दीप नमोस्तुते। दीप ज्योत परब्रह्म दीपो नारायण साक्षात, बहुत विशेषता है, इसलिए दीप दान अवश्य करना चाहिए, उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तांबूल, क्या तांबूल, तांबूल समझ गए, पान, हम भगवान को पान जब अर्पण करते हैं, समर्पण करने से जितनी भी भोग पदार्थ आप चाहते हैं, भोग पदार्थ में आ जाता है गाड़ी बंगला कपड़ा
ब्रांडेड क्लोथ्स और सब उसी में आता है। अच्छी अच्छी जो भोग पदार्थ आप चाहते हो वो भगवान को तांबूल अर्पण करने से वो भोग की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए स्नान आदि छह उपचारों को व्यक्ति को यत्न पूर्वक नित्य करना चाहिए, स्नान नित्य करना चाहिए। स्नान के बाद भगवान की पूजा नित्य करनी चाहिए, भगवान का अभिषेक नित्य करना चाहिए। लड्डू गोपाल जी का आप करते, गंध अर्पण चंदन इत्यादि से तिलक लगाना चाहिए, नैवेद्य अर्पण करनी चाहिए, फिर धूप जलाना चाहिए, फिर दीपक जलाना चाहिए, तांबूल अर्पण करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। ये क्रम करने से आपको हर चीज की प्राप्ति हो सकती है। और पहले लोग इसी से प्रसन्न रहा करते थे, आजकल लोगों को ये सब क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि करते ही नहीं है। आज कल या कल नहीं करेंगे, क्रम बनाओ, नित्य करो और फिर देखो कैसा चमत्कार होता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। जल से अभिषेक करने पर असाध्य रोगों को शांत करने के लिए कुशोदक से रुद्राभिषेक करना चाहिए। जिन लोगों को जीवन में बहुत ज्यादा रोग रहते हैं ना, जिन्हें लगता है कि हमारे घरों में, मैं ये नित्य बताऊंगा कुछ ना कुछ आपको, इसलिए बता रहा हूं जो आस्था भजन पे इत्यादि जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं वो भी सुन ले ध्यान से। जिनके घरों में बीमारियां बहुत लगी रहती हैं, यहां पर जो रुद्राभिषेक चल रहा है विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा, ये पूरे अधिक मास चलेगा। 31 दिवस इसीलिए था, कल अमावस का दिन और अब एक महीना पूरा अधिक मास का, समझ रहे हैं कि नहीं। जो कुसा के जल से महादेव का अभिषेक करता है उसको रुद्राभिषेक करने का यह फल मिलता है कि बड़े बड़े असाध्य रोगों से भी उसकी मुक्ति मिल जाती है।